लालू के लाल तेज प्रताप का बड़ा ऐलान सामने आया है। वो तेज प्रताप जिसने अपनी पत्नी को धोखा दिया, वो तेज प्रताप जिसने अपनी पत्नी को बाहर का रास्ता दिखा दिया, वो तेज प्रताप जिसने एक पत्नी को संभाल पाने में खुद को असमर्थ बताया, वो आंदोलन करने वाले हैं। इनके आंदोलन में कितना दम होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन इनका ये नया कारनामा जब से सामने आया है लोग आश्चर्य में है। क्या बिहार में जयप्रकाश आंदोलन की तरह लालू प्रसाद आंदोलन की शुरुआत होगी? जी हाँ, यही सवाल लोगों के जहन में आ रहा है। छात्र राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले ऐसा होने जा रहा है, जिसकी अगुवाई लालू के लाल तेज प्रताप यादव करने जा रहे हैं। इसकी घोषणा उन्होंने ट्वीट के माध्यम से की है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव सक्रिय है। उन्होंने छात्र आरजेडी की कमेटी को भंग कर जनवरी में नई कमेटी के विस्तार की बात की है। साथ ही जेपी आंदोलन के तर्ज पर लालू प्रसाद आंदोलन चलाने का इन्होंने बात किया है। ये जेपी की तर्ज पर एलपी चलाएंगे। लालू प्रसाद यादव ने उन्हें छात्र राजनीति की कमान सौंप दी है। छात्र राजद बिहार प्रदेश कमेटी तत्काल प्रभाव से भंग की जाती है। नए वर्ष 2020 में छात्र राजद की नई कमेटी का विस्तार किया जाएगा और कर्मठ लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी, जिनके नेतृत्व में छात्र बेरोजगार किसानों के हक के लिए राष्ट्रव्यापी एलपी आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। इस तरीके से इन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। तेज प्रताप ने अपने ट्वीट में लालू प्रसाद यादव के साथ अपनी एक तस्वीर भी डाली है। तस्वीर के साथ नारा लिखा है, जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। सृजन स्वराज वाली छात्र आरजेडी की वर्तमान कमेटी को भंग करने की घोषणा के साथ तेज प्रताप यादव ने कहा कि नए वर्ष में नई कमेटी का विस्तार होगा, जिसमें कर्मठ लोगों की जिम्मेदारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस कमेटी के नेतृत्व में छात्रों, बेरोजगारों और किसानों के हक की रक्षा के लिए राष्ट्रव्यापी एलपी आंदोलन चलाया जाएगा। चारा घोटाले में सजायाफ्ता फिलहाल रिम्स में इलाज करा रहे लालू प्रसाद यादव को छुड़ाने के लिए तेज प्रताप यादव इसके पहले भी एलपी आंदोलन चलाने की बात कह चुके हैं। हालांकि उनका आंदोलन अभी तक शुरू नहीं हो सका है। तेज प्रताप के अचानक इस कदम से सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अभी हाल ही में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में आरजेडी का अच्छा प्रदर्शन रहा, परिणाम को लेकर वे उत्साह का प्रदर्शन भी कर चुके। उनके करीबी नेताओं का दावा है कि अब वे फिर से आकाश यादव के हाथ में कमान सौंपने की तैयारी में। आकाश यादव छात्र आरजेडी के अध्यक्ष रह चुके हैं, किसी कारणवश उन्होंने इस्तीफा दिया था। कहा जा रहा है कि आकाश दोबारा आरजेडी में लौट आए हैं। अब देखना होगा कि आरजेडी का ये एलपी आंदोलन कितना रंग लाता है। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया के लिए शशिप्रिया सिंह की रिपोर्ट। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।